वेल हेलो फ्रेंड्स, आज मैं वीडियो पे आपको बताने वाला हूँ गेट पेंटिंग ऑटोमोबाइल पेंच है। तो यहाँ पे आपको गाड़ी का टाइप का क्वालिटी मिलेगा, तो इतना भी अच्छा नहीं मिलेगा जैसे आप सोच रहे हो, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा लंबा काम होता है, बट आपको लास्टिंग वैसे ही मिलेगा। तो सबसे पहले आता है सर्फेसर, ये बर्जर रॉक का सर्फेसर है, और इसमें एक लीटर पर आपको एक लीटर थिनर चाहिए। ड्यूको नेकोल थिनर यूज़ कर सकते हो, नहीं तो एनसी थिनर वो सब यूज़ कर सकते हो। तो 1:1 रेशियो पे चाहिए। पहले डालना पड़ता है और पूरा ग्रे हो जाता है। मैं आपको पूरा दिखा दूंगा कैसे क्या होता है, कैसे स्प्रे करते हैं। तो इसके लिए आपको मशीन चाहिए। तो यहाँ पे और एक है बर्जर रॉक का ब्लैक कलर पेंट। तो ये वो पेंट है जो टेम्पू में यूज होता है, आप ये कोई लग्जरी गाड़ी में यूज़ नहीं होता है, मतलब ऑल्टो में भी यूज़ नहीं होता ये सब पेंट। तो ये ओनली टेम्पू, मतलब हल्का फुल्का गाड़ी में यूज होता है, जो कमर्शियल गाड़ी होता है। तो इसमें ड्यूरेबिलिटी होता है, बट कोई उतना मस्त लुक नहीं होता। तो वो सब पेंट का 4000 का ऊपर ही होता है, जो आप स्पार्कलिंग कलर देखते हो गाड़ी पे, तो वैसा मत समझ लीजिए इसको। तो ये उसका ऊपर मारा जाता है। तो इसमें एक लीटर पे हाफ लीटर चाहिए आपको। तो मैं यहाँ पे नेकोल थिनर यूज़ किया ड्यूको का, और आप चाहो तो ड्यूको पेंट भी यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे एशियन पेंट मैंने यूज़ किया जो गोल्डन कलर है, उसमें मैंने एशियन का एपकोलाइट यूज़ किया है। 200 रुपीज़ है, 200 ग्राम का, और आपको इतना चाहिए भी नहीं, आपका अगर थोड़ा है तो 200 ग्राम से हो जाएगा। तो ये चीज़ सबसे बेटर है। आप अगर रेड ऑक्साइड से यूज़ करते हो नॉर्मल इनामेल पेंट एशियन पेंट का, तो वो ख़राब हो जाएगा बहुत जल्दी। तो ये पेंट में हार्डनर मिक्स होता है, इसलिए अच्छा क्वालिटी होता है। तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे सर्फेसर कैसे पेंट हो रहा है। तो ये सर्फेसर ग्रे होता है और उसका बाद ही ब्लैक पेंट होता है। तो ये अगर आप करते हो तो यहाँ पे पानी गिरने से भी रस्ट नहीं निकलता। अगर प्राइमर पे आप करते हो तो वहाँ पे पानी गिरने से फूल जाता है, मतलब एक साल मैक्सिमम जाता है, उसका बाद वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, फिर से प्राइमर करके मारना पड़ता है। तो यहाँ पे आपका 5-6 साल आराम से चला जाता है। ये चीज़ काफ़ी अच्छा है ये सब ऑटोमोबाइल पेंट का, क्योंकि ये गाड़ी के लिए बना होता है, क्योंकि गाड़ी हर समय बाहर ही रहता है, बाहर में घूमता है। तो अगर जितना भी धूप गिरे इसका ग्लॉस भी ख़राब नहीं होता, मतलब 3 साल इसका ग्लॉस आराम से रहेगा। ये चीज़ बहुत अच्छा होता है ये सब पेंट का। तो थोड़ा प्राइस ज़्यादा जाता है, जैसे आप नॉर्मल इनामेल लेते हो तो आपका 300 रुपीज़ से 280 जाता है पर लीटर। तो यहाँ पे 358 थोड़ा ज़्यादा है। और यहाँ पे जो मेन कॉस्ट आता है वहाँ पे है इसका सर्फेसर। तो सर्फेसर में आपको बहुत ज़्यादा जाता है, जैसे 350 रुपीज़ है। अगर आप 550 रुपीज़ में 4 लीटर आपको मिल जाता है जो रेड ऑक्साइड होता है, बट यहाँ पे एक है 350। तो समझ लीजिए कितना कॉस्टली है सर्फेसर। तो ये चीज़ बट अच्छा होता है, काफ़ी अच्छा होता है, लास्टिंग भी काफ़ी अच्छा होता है सर्फेसर का। इसमें कभी फुल टाइम भी नहीं है, एकदम सील टाइप बना रहता है लोहा का। सो गाइस, आप लोग देखते रहे वीडियो कैसे पेंट हो रहा है पूरा गेट का।